नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब के श्री एक बार फिर से आपको मौसम की जानकारी देने के लिए हाजिर है दिल्ली से। तो दिल्ली के आसमान पर इस वक्त फिर से जो है प्रदूषण मंडरा रहा है और ये प्रदूषण का स्तर ऐसा है कि पराली की विवाद भी हो गई है, दिवाली भी हो गई है और उसके बाद 11 नवंबर को आज भी बहुत ही बुरी हालत में है दिल्ली का प्रदूषण। वेरी पुअर कैटेगरी में है, 300 से 400 के बीच ये आंकड़ा बना हुआ है और वेरी पुअर कैटेगरी, इसके बाद सीवियर यानी ख़तरनाक कैटेगरी और इससे पहले ख़तरनाक से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन इतने दिनों बाद भी स्थिति जो है वो 300 के पार बनी हुई है। आनंद विहार में 375 का आंकड़ा है PM2.5 का और वेरी पुअर कैटेगरी में है ये AQI लेवल। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच में जो है बिल्कुल सही मात्रा में रहता है हवा में जो स्तर है, हवा का स्तर AQI लेवल सेटिस्फैक्ट्री होता है जब 51 से 100 के बीच में होता है। 101 से 200 के बीच में मॉडरेट होता है और 201 से 300 के बीच में पुअर, 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर कैटेगरी। और इसी कैटेगरी में, इसी वर्ग में ज़्यादातर जो है दिल्ली का मौसम वो जो है वो देखा जा रहा है। आनंद विहार के मौसम का हाल आपको बताया, अब इसके बाद आपको बताते हैं बुराड़ी क्रॉसिंग। बुराड़ी क्रॉसिंग में इस वक्त मौसम का आंकड़ा जो है ये जो पोल्यूशन का लेवल है वो कितना है, 334 है। वेरी पुअर कैटेगरी में यहाँ भी जो है AQI लेवल बना हुआ है। बवाना की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया है जो बवाना में इस वक्त दोपहर 12 बजे के बाद का जो आंकड़ा है वो 384 है। वेरी पुअर कैटेगरी में बिल्कुल अगला जो 400 से 500 के बीच में होगा वो सीवियर कैटेगरी होगा, उससे थोड़ी ही कम है यहाँ पर AQI लेवल। बवाना के आगे अगर हम बात करें मथुरा रोड की जो फरीदाबाद की तरफ जाता है तो यहाँ पर 338 का आंकड़ा बना हुआ है। इसके अलावा हम द्वारका की बात करें, गुड़गांव की तरफ ये टच करता है इलाका, 355 AQI लेवल यहाँ भी वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। अगली आपको बात बताएं, ITO व्यस्ततम इलाका, व्यस्ततम चौराहा है जो दिल्ली का ITO, ITO में 351 है वेरी पुअर कैटेगरी में। और आपको बता दें कि आज और कल ऑड इवन जो है वो बंद है क्योंकि जो 550वां प्रकाश उत्सव है गुरु नानक देव जी का, उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने 2 दिन के लिए ऑड इवन में छूट भी दे रखी है। तो आज जो है प्रदूषण का आंकड़ा 300 के पार जा रहा है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। और अगले इलाके की नजफ़गढ़ की बात आपको बताते हैं, नजफ़गढ़ में ये आंकड़ा जो है वो कितना बैठ रहा है, 308 यानी कि 300 के पार यहाँ भी बना हुआ। तो इसी तरीके से ज़्यादातर इलाकों में 300 के पार ये आंकड़ा बना हुआ है। नरेला की बात करते हैं जो बिल्कुल हरियाणा को टच करता है, नरेला में भी 324 बना हुआ है ये प्रदूषण का स्तर। पंजाबी बाग का आंकड़ा अगर आपको बताएं, पंजाबी बाग में AQI लेवल 346 बना हुआ है PM2.5। तो इसी तरीके से ज़्यादातर आंकड़े जो हैं वो 300 के पार जा रहे हैं वेरी पुअर कैटेगरी में। और दिल्ली के मौसम में आप देख रहे हैं दिल्ली के आसमान पर सफ़ेद जो चादर है वो हम आपको एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली के आसमान की, कैसे ये सफ़ेद मोटी चादर जो है वो बिछी हुई है। हालांकि ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है लेकिन इसके ऊपर ये सफ़ेद चादर दिखाई दे रही है। प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, 300 से 400 के बीच में वेरी पुअर कैटेगरी में। और पराली का जो शोर है या पराली की जो बात हो रही थी पिछले दिनों में उसको भी अब काफ़ी दिन हो गए हैं, दिवाली भी गुजर चुकी है, लेकिन दिल्ली के आसमान पर ये प्रदूषण का ख़तरा, आपकी सेहत का जो है दुश्मन, ये प्रदूषण का स्तर अभी भी जो है ख़तरनाक तो नहीं लेकिन वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों में तेज़ हवाएं चली, प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे भी आया लेकिन आज फिर से ये 300 से 400 के बीच में बना हुआ है। दोपहर बाद भी आप देखिए कि धूप खिली हुई है लेकिन फिर भी यहाँ पर हवाएँ भी चल रही हैं दिल्ली के इस आसमान पर, दिल्ली के आसमान में दिल्ली की हवा, दिल्ली में हवाएं भी चल रही हैं लेकिन फिर भी प्रदूषण का स्तर जो है वो 300 से 400 के बीच में बना हुआ है। और आप सावधान रहें इस प्रदूषण से, मास्क का इस्तेमाल करें, तमाम सावधानियां बरतें क्योंकि सावधानी ही बचाव है। और इसी तरीके से आपको हम दिल्ली के मौसम का हाल जो है वो बताते रहेंगे। अभी जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो 300 से 400 के बीच में बना हुआ है। इसी तरीके से आपको अपडेट करता रहेगा नवोदय टाइम्स।